लोकसभा और राज्यसभा की आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर का मामला है तो रियासत के साबिक वजीर आला और स्टिंग मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में कल दिखे और फारूक अब्दुल्ला ने कल मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर तापड़तोड़ हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को जानबूझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कई मुतालबात सरकार से किए गए, कुछ मामलात उठाए गए और इनमें अहम मामला ये था कि सियाहत और सेब को भी फरोग देने के लिए इसको इंडस्ट्री के तौर पर सरकार तस्लीम करे, एक तो ये बड़ी मांग उनकी रही है। दूसरा, जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिसमें उन्होंने किश्तवाड़ का हवाला दिया जहां पर डीडीसी रुक ने कल ही एहतजाज खत्म किया, तो मकामी सतह पर जितने मंसूबे हैं रोजगार सिर्फ तरजीह बुनियादों पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलना चाहिए। तीसरा मुतालबा, कौमी शाहराओं के लिए फंडिंग में इजाफा किया जाए, जो एलोकेशन अब तक रही है बजट में, क्योंकि बजट पर ही रिएक्ट कर रहे थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो हाईवे है जो लाइफ लाइन है और कश्मीर से तिजारत का सिलसिला जो है वो इस शाहरा पर ज्यादा इनसार करता है, इसलिए कौमी शाहराओं के सिलसिले को बेहतर किया जाए, पैसा मजीद इसके लिए खर्च होना चाहिए, सरकार से मुतालबा। चौथी बात उनकी तरफ से ये कही गई है अपने कि जब वो इक्तदार में थे तो बहुत सारी चीजें थी जो तब्दील नहीं होने दी गई, लेकिन आज के वक्त में उन्होंने हवाला दिया ईरान या बाकी ममालिक से जो सेब इस वक्त आ रहा और फ्रूट ग्रोवर जो वादी कश्मीर का है वो इस वक्त परेशानी से गुजर रहा है, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए तरजीह बुनियादों पर कश्मीर से आने वाला सेब, बजाय इसके कि वो कोल्ड स्टोरेजेस में सड़े गले, उसको नई दिल्ली या बाकी बड़ी मार्केट्स में लाया जाए, मुल्क की बड़ी मंडियों में लाया जाए। ये अहम मुतालबात थे। क्या कुछ मजीद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा ऐवान के अंदर, चार बड़ी बातें उनके खिताब की आपको सुनाते हैं। द प्रोग्रेस ऑन वर्क्स टेकन अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेदर ऑन रोड्स टनल्स और पावर प्रोजेक्ट्स, उसमें हालत ये है कि सारे उनके जो एम्प्लॉयमेंट है, यानी लोवेस्ट से लोवर एम्प्लॉय भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत ये है कि किश्तवाड़ में जहां पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, आज चार हफ्तों से वहां पे जो औरत है डीडीजी के चेयरमैन और लोग वहां बाहर बर्फ में और बारिश में बैठे हुए हैं कि भाई ये लोकल लोग कहां जाएंगे, इनका इनका क्या होगा। मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट थे उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी, और अगर आज देखे उन इलाकों की हालत, वो गरीबी से ऊपर उठ गए थे उन प्रोजेक्ट से। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़े चाहिए कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो जरूर होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वेरी मच डिपेंडेंट ऑन टू सेक्टर्स, वन इज टूरिज्म, वन इज द हॉर्टिकल्चर। सर, हमारे एप्पल ग्रोवर्स की यह हालत न सिर्फ हमारे बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी एप्पल ग्रोवर जो है आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ईरान से इंपोर्ट कर रहे हैं और उनका एप्पल यहां बेच रहे हैं जिसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है लाने के लिए, और हमारे लोग जो हैं उनके एप्पल कोल्ड स्टोर्स में और बाकी जगहों पे सर्दी में इस वक्त सड़ रहे हैं। सर, ये एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो हमारी बैकबोन है, उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, हाउस बोट वाले भी, हर तरफ से हर कोई इंसान उसमें इन्वॉल्व है और लाखों में इन्वॉल्व है इस टूरिज्म इंडस्ट्री में। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कई सालों से हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि साहब टूरिज्म को जो है इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए सो दैट हमारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट उठा सकें। मैं गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। 2019 में 2019 दे टुक एम्प्लॉयमेंट फॉर द बटालियंस, बॉर्डर बटालियंस, पीपल वेंट थ्रू ऑल द टेस्ट। सर, आज देखिए हाल क्या है, वो आज इंतजार कर रहे थे कि आप नौकरी लग जाएगी, वो सब लिस्ट जो है इनने खत्म कर दी और एक नई लिस्ट आएंगे जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। साहब, ये हमारे से नाइंसाफी है और इसकी तरफ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए कि इन लोगों को ऐसा धक्का ना दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाए। साहब, एक और चीज़ है जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सोचना पड़ेगा इस पर। गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फायदा मिलेगा, मगर साहब आज हालत ये है कि गोल्ड कार्ड होके भी जब वो अस्पताल जाता है तो गोल्ड कार्ड इज नॉट ऑनर्ड। ओनली यस्टरडे अ पेशेंट रैंग मी, ही हैड टू गो अंडरगो एन ऑपरेशन फॉर पाइल्स, पोअर मैन,
He had the gold card, but the hospital refused to take him in. Where is the hospital? Huh? In Srinagar. In Srinagar. So I will be grateful, sir, if Government of India could look into this thing. Two sectors are vital for growth of India. One is education, one is health. I request that much funding should be done for this also. Otherwise, we will remain backwards and we will not be able to compete with the world of tomorrow. This is vital. Also, I will request finally, please increase the funding. Aaj bhi aap dekhe, we have National Highway, the only highway connecting us to the rest of the country. और उसका हाल ये है कि आप उसके पुराने 30 मील रामबन से बानीहाल थोड़ी सी बारिश हो जाती है बर्फ पड़ जाती है और सारी सड़क बैठ जाती है तब ये लाइफ लाइन है इसकी तरह मैं आपसे गुजार चलिए जी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर बड़गाम और गांधरबल के अभी हैं बता रहे थे कि मौजूदा हालात में क्या कुछ करने की जरूरत है लेकिन मैं तो यही बताऊंगा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे बेटा भी चीफ मिनिस्टर रहा उसके बाद सरकार के साथ भी काफी नजदीकियों में रहे लेकिन सन्नत का दर्जा बहाल करना शायद उस वक्त भूल गए थे।